नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज बात करेंगे ऐसे कलाकार की जिसने 9 साल की उम्र में मुंबई में कदम रखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एबी शेट्टी की, जिसको सिर्फ शेट्टी के नाम से ही लोग ज़्यादातर जानते थे। इन्होंने टाटा कंपनी की कैंटीन में बर्तन मांजने का काम किया, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से वो बन गए एक लेजेंडरी एक्टर और डायरेक्टर। एबी शेट्टी अपने ज़माने के मशहूर स्टंटमैन और कोरियोग्राफर भी रहे, लेकिन लोगों ने इनको विलन के रूप में ज़्यादा पसंद किया। एबी शेट्टी की जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव भी आए। जब ये 9 साल के थे तो इनके पिताजी ने इनको मुंबई भेज दिया। आपको बता दें, एबी शेट्टी की मातृभाषा तुलु है और ये उडुपी से मुंबई आए। जब एबी शेट्टी टाटा कंपनी में बर्तन साफ करने का काम किया करते थे तो लोग इनको मुद्दू के नाम से बुलाया करते थे। उसी दौरान केएन मेंडन, जो के बहुत ही फेमस जिमनास्ट थे, उनकी नज़र एबी शेट्टी पर पड़ी। शेट्टी बहुत ही तगड़े इंसान थे, दूर से ही लोग उनकी बॉडी देखकर आकर्षित हो जाते थे और लोग उनकी जैसी सेहत बनाना चाहते थे। केएन मेंडन ने जब ऐसे तगड़े शरीर वाले शेट्टी को देखा तो उन्होंने शेट्टी को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देना जरूरी समझा। एबी शेट्टी इतने ट्रेंड हो चुके थे कि 8 साल तक वो किसी से भी बॉक्सिंग टूर्नामेंट नहीं हारे। उस दौर में साथ ही साथ शेट्टी फिल्मों में भी हाथ अजमा रहे थे। उसी दौरान उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी भी सीखी। इन सभी की ट्रेनिंग इनको अपने ज़माने के मशहूर डायरेक्टर अजीम ने दी थी। इन्होंने मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली। 50 के दशक में इन्होंने कई एक्ट्रेस के साथ स्टंटमैन का काम किया। उसी दौरान प्राण जी की नज़र शेट्टी पर पड़ी तो प्राण साहब ने सुबोध मुखर्जी से कहा, आप इसे बतौर फाइट डायरेक्टर रख लें। कहते हैं कि शेट्टी साहब को स्ट्रीट फाइट और कॉलेज फाइट डायरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। लोगों ने इनको गंजे लुक में इतना ज़्यादा पसंद किया कि बाल होते हुए भी इनको फिल्मों में गंजा ही रहना पड़ता था। एबी शेट्टी कहते थे, हीरो तो कुछ साल तक ही रहेंगे, मैं तो यहाँ लंबे सालों तक ठहरूंगा और इन हीरो के बच्चों को भी मैं ही फाइटिंग सिखाया करूँगा। एबी शेट्टी जब फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए थे तो बड़ी पार्टीज भी दिया करते थे। इनकी पार्टीज में बहुत से बड़े स्टार्स भी आते थे। एबी शेट्टी 1956 की मूवी हीर में फाइट सिखाते नज़र भी आए और यहीं से इनका फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमा। इनकी लुक इतनी खतरनाक थी कि चाहे फिर फिल्म हिंदी में हो या कन्नड़ा हो, हर मूवी में बतौर विलन के रोल में ही नज़र आए। सभी बड़े एक्ट्रेस जैसे प्राण, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और कई बड़े स्टार्स के साथ इन्होंने फाइट कोरियोग्राफ की। 670 से भी ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया। एबी शेट्टी ने 2 शादी की थी। पहली बीवी का नाम विनोदनी था। इस शादी से 2 बेटियां और 2 बेटे हुए, हृदय शेट्टी और उदय शेट्टी, जो के इनके बेटे हैं। ये भी फिल्मों में काम करते हैं। कहा जाता है कि एबी शेट्टी की बेटी जब 2 वर्ष की थी तो एसपी ईरानी, जो के मशहूर डायरेक्टर हैं, उन्होंने कैदी नंबर 911 की मूवी में एक सीन डाला था जो स्टंट सीन था। उस सीन को एबी शेट्टी ने करना था। सीन कुछ इस तरह से था, इन्हें एक पुल से कूदना था और उस पुल के नीचे से कई ट्रक जाने वाले थे। कहते हैं कि जब एबी शेट्टी पुल पर खड़े हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के बारे में सोचा। उससे वो अंदर से टूट गए और जंप नहीं लगा पाए। फिल्म डायरेक्टर ने शेट्टी से कहा, जब तुम्हें अंदर से लगे सीन करना है तो तभी करना। लेकिन इस बात का क्रू मेंबर ने शेट्टी का काफ़ी मजाक बनाया। इससे शेट्टी काफ़ी टेंस्ड भी हुए। जब लोगों का मजाक उनको अंदर ही अंदर से खा रहा था तो अगले ही दिन उन्होंने वो स्टंट कर डाला और लोगों के मुंह को ताला लग गया। कहते हैं कि एबी शेट्टी कभी भी किसी से ऐसा मजाक नहीं करते थे जिससे किसी को आहत हो। एबी शेट्टी ने दूसरी शादी रत्ना से की और उससे उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था रोहित शेट्टी। आपको बता दें, दूसरी बीवी रत्ना एक डांसर थी और कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए। समय बदलता गया और एबी शेट्टी को शराब की लत लग चुकी थी। फिल्म बॉम्बे 405 माइल्स की शूटिंग के दौरान एक जूनियर आर्टिस्ट जिसका नाम मंसूर था, उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि वो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रोल कर रहा था और एक स्टंट के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है।
इससे एमबी शेट्टी को काफी चोट पहुंची थी और दिन पर दिन उनकी शराब की लत बढ़ती जा रही थी। उस समय उन्होंने गरीबी का सामना भी किया। रत्ना जो के एमबी शेट्टी की दूसरी पत्नी थी, उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने परिवार का गुजारा किया। एक दिन शेट्टी घर में अचानक से गिर पड़े और 23 जनवरी 1982 को दुनिया को छोड़कर चले गए। भारतीय सिनेमा में एमबी शेट्टी जैसा टैलेंटेड एक्टर ना कोई था ना कभी होगा। कई एक्ट्रेस को फाइटिंग की ट्रेनिंग देने वाले एमबी शेट्टी को हमेशा दिल से याद किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।